गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बता रहे थे। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह का रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फर्स्ट में आपको बताए थे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड में आपको बताए थे डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, आज हम लोग सीखने वाले हैं थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे किसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये आपके कॉपी में हेडिंग डाला हुआ है, तो बार बार नहीं लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट में यहां से लिखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस करना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एटम या आयन किसी कंपाउंड का किसी दूसरा एटम या आयन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिफिनेशन में आप लिख लीजिए कि इन ए रिएक्शन वन आयन और एटम इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एटम ऑफ अदर एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि कोई दूसरा एटम या एलिमेंट किसी कंपाउंड का किसी एलिमेंट या आयन को वो डिस्प्लेस कर देगा, तो उस रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब इसका देखिए रिएक्शंस कैसा होगा, तो देखिए यहां पे है एक्स प्लस वाई जेड और ये क्या किया एक्स जेड प्लस वाई। ध्यान से देखिए तो क्या किया है, क्या यहां पर एक्स जो है ये एक्स जो एलिमेंट भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है, मोलिकुल भी हो सकता है। तो एक्स जो है क्या किया है, यहां से वाई को डिस्प्लेस कर दिया। ये पहले क्या था, वाई और जेड है सो एक मोलिकुल का या कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हुए था। तो एक्स अब क्या किया कि वाई को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और जेड के साथ एक्स है सो खुद बॉन्ड का फॉर्मेशन कर करके एक कंपाउंड, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया और वाई है सो बाहर निकल गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ये दो तरह का होगा। क्यों दो तरह का होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल का होगा तो उसको हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले अब यहां पे लिखिए कि टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कितना तरह का होगा, दो तरह का होगा। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और सेकेंड में लिखेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस जो है आपका दो तरह का हो गया, एक को हम लोग बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और दूसरे को बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए, चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको कहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया गया, नाम से ही पता चल रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा तब उसको हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कौन किसको करेगा, तो एकदम सिंपल सा बात है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। पहले आप डिफिनेशन लिखिए, क्या कह रहा है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है कि यहां पर देखिए CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आप करा रहे हैं जिंक के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब देखिए इस रिएक्शंस को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि क्लासरूम में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसके बगल में कोई दूसरा स्टूडेंट आकर के बैठ गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि उसका दोस्त आ रहा है, ठीक है। तो दोस्त आ रहा है तो बोलता है कि सुनो तुम यहां से हटो, मेरा दोस्त आ रहा है मेरे बगल में बैठेगा। तो अब बताइए जिसको वो बोल रहा है कि तुम हटो मेरा दोस्त आ रहा है मेरे बगल में बैठेगा, तो कब हटेगा, जब उससे कमजोर होगा,
नहीं देख रहा है कि ये बदमाश टाइप का लड़का है, नहीं यहां से हटेंगे तो मार पे बैठेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब वहां से वो हट जाएगा। लेकिन अगर जिसको वो हटा रहा है वो खुद बदमाश है तो क्या वो हटेगा? नहीं हटेगा। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि कौन किसको हटाएगा। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल एटम होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल एटम को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? मेटल एटम का। फिल्म में देखते हैं ना क्या होता है कि एक हीरोइन है और अगर दो हीरो है, इस तरह का बहुत सारी फिल्म बना हुआ है। अब पहला वाला जो हीरो है, ठीक है, किसी हीरोइन के साथ उसका अफेयर चल रहा है, बाद में दूसरा हीरो का एंट्री होता है और वो थोड़ा दबंग है, तो क्या बोलता है? चलो हटो, कल्टी मारो, ठीक है, ये मेरी वाली है। ऐसा होता है ना, आप लोग के भी उम्र में ऐसा होता है, करे उसको नहीं देखेगा, वो मेरी वाली है, ठीक है। तो आप दबंग है तो आपसे तो डर जाएगा, लेकिन आपसे कोई अगर दूसरा दबंग है तो फिर उल्टा आप ही को पीट बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शंस में भी यही होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल एटम है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा कर करके और खुद ऐसो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा कि नहीं चल हट यहां से, ये मेरी वाली है, इसके साथ बॉन्ड हम बनाएंगे, उधर नहीं देखेगा, ये तेरी भाभी है। समझ में आ रहा? ऐसा बोल चाल के भाषा में इस उम्र में बच्चे करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्शन किया, तो जिंक जो है आपका मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तब बोलिए सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो लास्ट में आपको ट्रिक भी बता देंगे कि याद कैसे रखना है, और लिस्ट भी लिखा देंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। दूसरी बात, आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल करके आप बता सकते हैं कि कौन मोर रिएक्टिव होगा और कौन लेस रिएक्टिव होगा। तो यहां पे सबसे पहला बात क्या बोला जा रहा है कि जिंक जो है आपका मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तब ये क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर करके सल्फेट के साथ, मतलब SO4 के साथ जिंक खुद ऐसो बॉन्ड बना लिया, और यहां पे क्या हो गया, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर को चल फुट यहां से, तो कॉपर ऐसो बाहर निकल गया। तो एक तो ये हुआ कि आप रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड कर लिए कि कौन किसको हटा रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा, आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कॉपर का क्या होगा, तो +2, ये तो किसी को सबको समझ में आता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +6। ऑक्सीजन का क्या होगा, तो -2। आप सल्फर का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -2, आपको लिगेंड में बताया हुआ है। यहां पर जिंक का क्या होगा, तो फ्री स्टेट में है तो 0। यहां पे कॉपर फ्री स्टेट में है तो 0। यहां पर आपका जिंक का क्या होगा, +2। सल्फर का क्या होगा, +6। ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। अब यहां पर देखिए, याद है क्लास ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताए थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? तो सीधा उल्टा हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते थे, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मिनिमम है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर अब ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसका जब मिनिमम है, तो जब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तब क्या होगा, अब तो घटेगा नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जब मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तब ये क्या करेगा, जो लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है उसको रिप्लेस कर देगा। तब कैसे पता चला कि लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो यहां पे कॉपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो मैक्सिमम है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसको अब ये क्या करेगा, मोर रिड्यूसिंग पावर है तो इसको क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। दूसरी बात, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए, जिंक जो है 0 से +2 के स्टेट में आ रहा है तो हम कहेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर +2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते थे कि ये रिएक्शन जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। बोले यहां तक क्लियर हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
दूसरा एग्जांपल में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बना देता है साथ ही साथ मैग्नीशियम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नीशियम और सोडियम, सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। फिर देखिए बात वहीं पे आता है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या बताएं, लास्ट में आपको लिखा देंगे कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है, और कैसे याद रखेंगे वो आपको ट्रिक भी बता देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सोडियम जानिए कि मोर रिएक्टिव एटम है मैग्नीशियम से, तो ये क्या करेगा, सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक कंपाउंड बना लिया सोडियम ऑक्साइड, और इसको क्या किया, यहां से हटा दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो हुआ क्या, जो मोर रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बात वहीं पे आता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो आप देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे सोडियम फ्री स्टेट में है तो 0, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। फिर आप देखिए अभी आपको क्या बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होता है वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पर देखिए सोडियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो सोडियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव हो गया, तो जब मोर रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को यह क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। एक तो आप ऐसे सीख लिए, किसके बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। अब आप देखिए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम जो है 0 से +1 के स्टेट में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, बताए थे ना, उल्टा याद रखना, तो यहां पे ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब मैग्नीशियम देखिए +2 से किसके स्टेट में आ रहा है, 0 के स्टेट में आ रहा है, तो मैग्नीशियम का यहां पे हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, और रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, तो यहां पर मेटल एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड अल्मोनियम के साथ रिएक्शन करता है तो अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे फिर देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अल्मोनियम का रिएक्टिविटी क्रोमियम के रिएक्टिविटी से ज्यादा है, एक तो ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड कर लिए, तो अल्मोनियम क्या किया, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर करके ऑक्सीजन के साथ खुद ऐसो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, या कह सकते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और क्रोमियम को क्या किया कि चल फुट तू हट, तो बेचारा हट भी गया, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, नहीं हटेगा तो बहुत पिटाई लगेगा, समझ में आ रहा बात, तो यहां पे क्रोमियम बाहर निकल गया, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा, अगर आपको रिएक्टिविटी नहीं पता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ही भूल गए, आप ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्रोमियम का, तो बताया था ना कि इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, किस पे प्लस किस पे माइनस होगा ये भी बताए थे कि मेटल जब रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, नॉन मेटल रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर जब आएगा तो ये +3 होगा कि -3 होगा, तो +3 होगा, क्रोमियम मेटल एटम है तो यहाँ पे ये +3, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो यहाँ पे -2। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हम करवा दिए। यहाँ पे अल्मोनियम फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया, यहाँ पे अल्मोनियम देखिए फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा, अल्मोनियम मेटल है तो +3 और ऑक्सीजन -2, यहाँ पे क्रोमियम फ्री स्टेट में है तो 0। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अल्मोनियम जो है 0 के स्टेट में, यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जब ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तब ये क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा, समझ में आ रहा है बात, तो यहां पर क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, क्रोमियम को। से पूछा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तब आप क्या देखेंगे कि अल्मोनियम जो है 0 से +3 के स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे अल्मोनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्रोमियम +3 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ गया तो क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, तो
क्या बताए थे कि किसी भी रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज्ड होता है और कोई दूसरा रिड्यूस्ड होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जा रहा है, तो यहां पर मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसीलिए इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, तो नॉन मेटल का होगा। मेटल में डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा था, तो मेटल का हो रहा था। इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। कौन डिस्प्लेस करेगा ये भी तो सवाल है, तो वो मेटल भी कर सकता है नॉन मेटल भी कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। कौन करेगा, तो मेटल भी कर सकता है और नॉन मेटल भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए कि ये मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनीशन सब लोग को समझ में आ गया कि मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी कि ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट अगर नॉन मेटल का होगा तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट अगर मेटल का होगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से यहां पे फिर समझते हैं कि जैसे सोडियम को आप रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस है सो बन जाता है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है। अब सोडियम जब मोर रिएक्टिव है तो ये किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम है सो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन है क्या, नॉन मेटल है, तो मेटल जो है यहां पे क्या किया, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। दूसरा, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो सोडियम फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और यहां पे हाइड्रोजन का 0। अब देखिए क्या हो रहा है, सोडियम है सो 0 से +1 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरा यहां पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का यहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इसको क्यों कहेंगे, ये समझ में आया कि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, नॉन मेटल का हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है साथ ही साथ हाइड्रोजन का। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम आपका है क्या, मेटल, डिस्प्लेस किसको कर दिया, हाइड्रोजन का, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर करके ऑक्सीजन के साथ है सो खुद बॉन्ड बना लिया। नहीं, क्यों बना लिया, अब क्यों इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि मैग्नीशियम है सो आपका मोर रिएक्टिव है, तब यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, साथ ही साथ इधर H2 गैस बाहर निकल गया कि भाई ठीक है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम निकले यहां से हट जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है,
तब आप देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन का माइनस टू, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा प्लस टू, यहाँ पे आप OH का डायरेक्ट आप माइनस भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग लिखना है तो ऑक्सीजन का माइनस टू, हाइड्रोजन का प्लस वन, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है जीरो के स्टेट से किस में आ रहा है प्लस टू के स्टेट में, तो मैग्नीशियम का जीरो से प्लस टू के स्टेट में आ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस वन के स्टेट से जीरो के स्टेट में आ रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ। अब देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कैसा रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि नॉन मेटल यानी कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। इसको नोट कीजिए, यहां तक सभी लोग कर लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और क्या बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड और साथ ही साथ I2। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस कर करके खुद वो पोटेशियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। नहीं, क्लोरीन क्या किया, आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और अपने खुद पोटेशियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर करके पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। तो यहां पर देखिए क्लोरीन है क्या, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि क्लोरीन और आयोडीन में क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये क्या किया कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस किया, तो फाइनली रिप्लेस कौन हुआ नॉन मेटल। हाँ, किया कौन, तो मेटल भी कर सकता है नॉन मेटल भी कर सकता है। यहां पर क्लोरीन है क्या, नॉन मेटल है, इसीलिए यहां पे लिखाया गया था मेटल और नॉन मेटल। बात सबको समझ में आ गया, तो यहां पर अब देखिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, लेकिन ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्लोरीन यहाँ पे क्या है फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। यहाँ पे पोटेशियम का क्या होगा प्लस वन, आयोडीन का क्या होगा माइनस वन, यहाँ पे पोटेशियम का प्लस वन, क्लोरीन का माइनस वन, और आयोडीन का जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन जो है जीरो से कहाँ पे जा रहा है माइनस वन के स्टेट में, तो कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और आयोडीन क्या हो रहा है माइनस वन से जीरो के स्टेट में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि आयोडीन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि आयोडीन जो है माइनस वन से जीरो के स्टेट में आ रहा है यानी कि इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन जीरो के स्टेट से माइनस वन के स्टेट में आ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। सबको समझ में आया, तो बात हम लोग कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर का, कि कोई भी मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो यहीं पे आप लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है सो पोटेशियम का होता है, ग्रेटर देन सोडियम का होता है, उसके बाद है सो कैल्शियम का होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का होता है, फिर अल्मोनियम का होता है, फिर आपका जिंक का होता है, फिर आयरन का होता है, फिर एसएन यानी कि टीन का होगा, फिर लेड का होगा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, उसके बाद आपका मरकरी है, उसके बाद है सो सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लैटिनम है। ठीक है, सिल्वर के बाद क्या हो गया गोल्ड हो गया, और उसके बाद है सो आपका प्लैटिनम है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो आप चाहें तो कॉपी पे आप लिख लीजिए, क्या लिखना है तो आप लिखिए केदार, केदार यहां पर के हो गया, ठीक है, नाथ, नाथ यहां से सोडियम हो गया, केदार
नाथ, सब लोग लिख लीजिए, केदार नाथ का, उसके बाद माली, ठीक है, उसके बाद आलू, उसके बाद जरा, उसके बाद फीके, उसके बाद स्पाइसी, ठीक है, उसके बाद पकाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि, ठीक है, उसके, उसके से कोई वर्ड नहीं बनता है, ठीक है, उससे, उससे, उसके हाथ, ठीक है, सिल्वर, उसके हाथ सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, बस है, यही हो गया। तो ये इससे कोई नहीं आता है। तो याद क्या रखना है, क्या याद रखना है, केदार नाथ का, माली, आलू, जरा, फीके, स्पाइसी, पकाता है, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है। तो याद रखने का ये अपना तरीका हो गया, आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग नन मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। तो नन मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यहीं पे हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल। तो रिएक्टिविटी ऑफ नन मेटल में सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन का होगा, उसके बाद आपका क्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है, ठीक है। तो ये नन मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो जानते ही हैं, बट ध्यान में रखिएगा कि क्लोरीन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। जैसे अभी जो आप रिएक्शन देखे तो इसमें क्या बताए कि क्लोरीन और आयोडीन में क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है। तो ये क्या हुआ, मोर रिएक्टिव नन मेटल लेस रिएक्टिव नन मेटल को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट नन मेटल का हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक आपका एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।